दोस्तों, अगर कभी आपने किसी अपने प्रियजन को हार्ट अटैक की वजह से खोया हो, या कभी आपने स्वयं जो है हार्ट अटैक की समस्या का सामना किया हो, तो आपके मस्तिष्क में ये बात जरूर आएगी कि आखिर हार्ट अटैक होता क्यों है, कैसे होता है हार्ट अटैक। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। तो एक अनुमान के मुताबिक, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI ने सर्वे करवाया था, तो उसमें ये निकल कर सामने आया कि हर साल केवल भारतवर्ष में जो हार्ट की बीमारियां हैं, दिल के रोगों की वजह से 2.1 मिलियन से भी ज़्यादा, अर्थात जो है 21 लाख से भी ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उसमें से भी मुख्यतः 10 लाख से अधिक लोग केवल हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। और इसमें जो चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो ये है कि इनमें भी ज़्यादातर जो मृत्यु होती है वो कम उम्र में, अर्थात 30 साल से लेकर 69 वर्ष की आयु के बीच में होते हैं। और अब तो दिन प्रतिदिन युवाओं में भी ये आंकड़ा अधिकता से देखा जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चों में भी हार्ट अटैक देखने को मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। और अब जो है बात ये आती, तो आखिर होता क्यों है हार्ट अटैक, और ये जानना भी ज़रूरी हो गया। तो आज हम बताते हैं आपको कि जो हमारे पूरे शरीर को खून की सप्लाई करने का कार्य जो है हमारा हार्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा हृदय ही है जो जो पूरी बॉडी को रक्त की सप्लाई करता है। इसे बायोलॉजिकल पंप भी कहा गया है। और इसी खून से ही हमारे शरीर की जो समस्त कोशिकाएं हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उनको ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति हो पाती है, जिससे वे अपना कार्य जो है भली भांति कर पाते हैं। और अब जो हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, उस हार्ट की कोशिकाएं जो है मायोकार्डियल सेल्स हैं, और मायोकार्डियल सेल्स अर्थात जो दिल की मांसपेशियों की कोशिकाएं, उनको भी जो है निरंतर ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है। और दिल को खुद को जो है खून की सप्लाई करने का कार्य करती है कोरोनरी आर्टरीज, अर्थात जो है ये दिल की वे धमनियां हैं जो शुद्ध रक्त को दिल की कोशिकाओं तक पहुंचाती है। और ये निरंतर कार्य जो है चलता रहता है और निर्बाध गति से ये होता रहना चाहिए। ये थ्रू आउट लाइफ जो है आपका प्रति सेकंड, प्रति मिनट, दिन या यूं कहे 24 घंटे और पूरे आजीवन ये कार्य लगातार बिना रुके एक क्षण भी निरंतर होता रहना चाहिए। जब किसी कारणवश दिल की जो नसें हैं उनमें अगर ब्लॉक हो जाए, अर्थात अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जो दिल की जो कोशिकाएं हैं मायोकार्डियल सेल्स हैं उनको जो सप्लाई फिर बाधित हो जाती है, उन तक रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है दिल की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है। और ये जो है अगर 20 से 25 मिनट तक अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो कोशिकाएं जो है मरना शुरू हो जाती है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि इनफार्क्ट, कार्डिक इनफार्क्ट, अर्थात जब दिल की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है उनको जो है ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के अभाव में ये इनफार्क्ट की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसी को जो है हार्ट अटैक भी कहते हैं दोस्तों। और इस हार्ट अटैक को पैदा करने वाला जो कारण है वो नसों का ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज जो है दो तरह से देखने को मिलता है। एक तो जो है आप इसमें प्लेग बनना, कोरोनरी जो आर्टरीज है दिल की नसें उनमें प्लेग अर्थात थक्का बन जाना। ये जो थक्का बनता है ये खून में चिकनाई की अधिकता की वजह से, अर्थात जो हमारे ब्लड में लिपिड्स की जो मात्रा होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, अर्थात LDL ट्राइग्लिसराइड जो आदि जो है चिकनाई और वसा युक्त जो द्रव्य है, जब वे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और वो जो है वो दिल की जो नसें हैं जो कोरोनरी आर्टरीज, उसमें जब ये जमाव करती हैं, प्लेक बनाते हैं, तो उस प्लेक की वजह से जो है अवरोध उत्पन्न होकर जो है दिल की कोशिकाओं को रक्त नहीं मिल पाता और हार्ट अटैक होता है। अब दूसरा जो अवरोध का कारण है दोस्तों वो है कोरोनरी आर्टरी स्पाज। स्पाज में क्या होता है कि दिल की जो नसों में ऐंठन उत्पन्न होता है, ऐंठन की वजह से जो है दिल की नसें संकरी हो जाती है, अर्थात सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से जो है दिल को जो सप्लाई हार्ट की जो हार्ट को है वो खून की नहीं हो पाती है, और सप्लाई नहीं हो पाने की वजह से
जो है मायोकार्डियल सेल डैमेज होते हैं और जो है इनकी डेथ हो जाती है, और इस वजह से जो है हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। तो ये दो तरह से अवरोध जो उत्पन्न होता है और जो हार्ट अटैक का कारण बनता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे संबंधित और भी वीडियोस की इसके कारण क्या है, किन कारणों की वजह से जो है ये अवरोध उत्पन्न होता है, और उन कारणों का भी जो हमने खुलासा किया है दूसरी वीडियो में, और जो है इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका जो इलाज और इसकी जांच क्या होती है उसके बारे में विस्तार से बताएं। तो आई बटन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी लिंक मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं और आप जो है अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, और जो इस खतरे को कभी ना सामना करना पड़े इसलिए आप उसमें सक्षम बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।